आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और नमस्कार। अगर हम यहाँ बकरा लाएंगे उसको अंग्रेज समझ के काटेंगे। यहाँ का मुख्य प्रसाद मटन ही है। देखिए आप बोर्ड लगा हुआ है तो देखिए हम लोग प्रसाद तैयार हो रहा है। यही ना हम लोग वाला कौन सा? वो अंग्रेजों को पकड़ के लाते थे और उनकी आराध्य देवी थी देवी तरकुलहा, वहाँ उनके सामने वो बलि दे दिया करते थे अंग्रेजों की। 6 बार फांसी का फंदा टूट गया या खुल और आशीर्वाद में बकरा है। यही हमारी मधुशाला। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं तरकुलहा देवी मंदिर और चलिए वहाँ के बारे में बहुत सुना गया है, चलिए वहाँ देखते हैं पहले क्या होता है, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं तरकुलहा देवी। यहाँ देखिए हर तरफ दुकानें लगी हुई हैं और काफ़ी भीड़ है। यहाँ का हांडी मटन बहुत मशहूर है। यहाँ का मुख्य प्रसाद मटन ही है। अब हम लोग चले मंदिर की तरफ। ये देखिए प्रसाद ले लिए हैं, चलिए माता जी को चढ़ाया जाएगा। आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, आप लोगों को भी माता जी का दर्शन कराएंगे, साथ में जुड़े रहिए आप लोग भी। ये देखिए तरकुलहा देवी का मंदिर है। देखिए आप बोर्ड लगा हुआ है, चोर पॉकेट मार से सावधान, आप जरा सा भी असावधान हुए कि आपका पर्स गायब। यहाँ देखिए इस तरह से बहुत सारी दुकानें हैं और इन सारी दुकानों पे आपको मटन यहाँ का मुख्य प्रसाद माना जाता है। बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, सब लोग बनाते हैं। अब वही पूछा जा रहा है कौन कितने में बना देगा। यहाँ आप सिर्फ मंदिर परिसर से थोड़ा सा इधर उधर जाइए 20-30 मीटर तो आपको हर जगह जो है मटन बना के खिलाने वाले मिल जाएंगे। एक लोगों से बात हुई तो बता रहे हैं कि 1000 रुपये में जो है, तो चाहे 1.5 किलो बनवाइए चाहे 1 किलो बनवाइए, 1000 रुपये लगेंगे, हर चीज़ वो देंगे, हमें सिर्फ मटन खरीद के देना पड़ेगा। गिरी बाबा गए बात करके आए तो उन्होंने बताया, कितना बताया? 150 रुपये किलो अगर सामान हमारा होगा, पूरा सामान हमारा है तो 150 रुपये किलो सिर्फ बनवा ही लेंगे, और अगर सामान भी उनका है तो 1000 रुपये किलो बनवा ही लेंगे। हम 600 भी बात करके आए हैं, हर जगह रेट अलग अलग है। और कहीं देखते हैं, अभी विकास भाई बात कर रहे हैं आप लोगों से। भाई यहाँ आप लोग आइए ना, सही दुकान पता कीजिएगा, नहीं तो आपको छूना बहुत भयंकर लगा देंगे। अब मुन्ना भाई दुकान फाइनल हो चुकी है, हम लोग चल रहे हैं मटन लेने। तो देखिए हम लोग प्रसाद तैयार हो रहा है। यही ना हम लोग वाला कौन सा? ये देवी जी का जो मंदिर है, अब ये मशहूर क्यों है हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, विकास सर को है यही बताएंगे क्यों मशहूर है ये इतना ज़्यादा, ये इतना चर्चित है। तरकुलहा देवी मंदिर जो है ये गोरखपुर से जब आप देवरिया जाएंगे तो चौरी चौरा एक जगह पड़ती है जो प्रसिद्ध है इतिहास में, क्रांति के आंदोलन में चौरी चौरा का विशेष स्थान था, जिसके लिए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था। उससे थोड़ा सा पहले एक विकास खंड है सरदार नगर, उसके अंतर्गत चौरी तरकुलहा देवी नाम का एक स्थान है। यहाँ घने जंगल बहुत पहले हुआ करते थे 1800 से लेकर 1947 के बीच में, तो यहाँ एक हमारे बीच में अब नहीं है अमर शहीद बाबू बंधु सिंह हुआ करते थे। बाबू बंधु सिंह क्या, देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो अंग्रेजों को पकड़ के लाते थे और उनकी आराध्य देवी थी देवी तरकुलहा, वहाँ उनके सामने वो बलि दे दिया करते थे अंग्रेजों की, और चौरी चौरा कांड में भी उनका नाम आया, जिसके लिए अंग्रेज उन्हें धोखे से एक बार गिरफ्तार किए और उन्हें फांसी देने के लिए तरकुलहा देवी का स्थान चुना उन्होंने। और देवी जी की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर कि 6 बार फांसी उनको दी गई, 6 बार फांसी का फंदा टूट गया या खुल गया या रस्सियाँ टूट गई, उनको फांसी नहीं हुई।
लास्ट में उन्होंने देवी जी का स्मरण किया कि देवी जी मुझे बार बार मरने से अच्छा है कि मैं देश के हित में एक बार शहीद हो जाऊं, और इसका एक अलग संदेश जाएगा कि हाँ देवी जी की कृपा जिन भक्तों के ऊपर, राष्ट्रभक्तों के ऊपर है, वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मर सकते। तो ऐसी मान्यता थी। फिर उन्होंने फांसी के फंदे को सातवीं बार अपने गले में खुद डाला और फिर उनको फांसी हो पाई। तब से यहाँ पे लोग मन्नतें मानते हैं और सब कुछ करते हैं। जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती है वो यहाँ के बकरे की बलि देते हैं, क्योंकि नर बलि उस समय थी, अब नर बलि तो संभव नहीं है, और अंग्रेज़ों की बलि देना मेरे समझ से कोई बुरी बात नहीं थी, इसलिए अब उनके नाम से यहाँ पे अमर शहीद बाबू बंधु सिंह के नाम से स्मारक बना है, सब कुछ है। उन्हीं की वजह से चौरी चौरा का विशेष महत्व तो हमारे देश में है। और पूर्वांचल में यहाँ चैत्र मास के नवरात्र में बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरे पूर्वांचल समेत बिहार के बहुत सारे जनपदों के लोग यहाँ आते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं, अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कार्यों में लीन होते हैं। और यहाँ का जो मुख्य प्रसाद है, जिनकी मनोतियाँ पूरी होती, बकरा चढ़ाया जाता है और यहाँ पे विशेष तरह से बनाया जाता है, जिसको हांडी में बनाते हैं। इसमें किसी भी तरह के मेटल का बर्तन प्रयोग नहीं होता, ये यहाँ की विशेष खूबी है, जिससे हम लोगों को शुद्ध भोजन भी प्राप्त होता है, जिसको हम प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। धन्यवाद। अगर हम यहाँ बकरा लाएंगे उसको अंग्रेज समझ के काटेंगे कि जैसे अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया था, हमारे देश को लूटा था, आज उसी तरह उनकी बोटियों को हम लूटेंगे। ये विनोद भाई को जो है कहानी सुन के जोश आ गया है। हाँ, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, अंग्रेजों के दुश्मन नहीं है, अंग्रेजी शासन के दुश्मन, अंग्रेजी शासन के दुश्मन। ये देखिए हम लोगों का आ गया मटन, और इधर है बाटी, देखिए मटन लगा हुआ है, और हांडी इसमें है, हांडी मटन है, और इसमें चावल, हाँ इसमें चावल है, और बाकी अब विकास सर जो है चेक करके बताएंगे कैसा है। विकास सर आप बताइए चेक करके। माता का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद में बकरा है, सबसे पहली बात तो ये है, और कहीं ऐसा अवसर मिलता नहीं है। चलिए अच्छा, हम लोग चल रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने। हाँ, और आप लोग भी आइए, स्वागत है सब लोगों का, ठीक है। तो चलिए प्रसाद ग्रहण कर ले, फिर निकलते हैं घर के लिए। और सो गाइज, अब यहाँ से निकल रहे हैं घर, काफी लेट हो गया है, पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार एक बार पुनः। और आप सब जैसा देख सकते हैं, हम लोग तरकुलहा देवी से प्रसाद चढ़ा के वो बनवा के खाना वाना खा के निकल रहे हैं। लिट्टी चोखा का कार्यक्रम था और मटन भी यहाँ बना था, जैसा कि हमारे मित्रों ने आपको बताया होगा। अब सामने जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी मन्नतें यहाँ पूरी हुई हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ सब परिवार आते हैं, हित मित्र रिश्तेदार सारे लोग आते हैं, और वो अपने सुविधा अनुसार कार्यक्रम करते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, और जो भी इनकी मान्यताएं होती हैं और देवी जी की आशीर्वाद से पूरी होती हैं, वो उसी के अनुरूप कार्य करते हुए यहाँ अपना धार्मिक अनुष्ठान पूरा करते हैं। जला रहे हैं ना, समझ करिया भाई में। आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और नमस्कार। लेकिन एक अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, हम तीन मित्र लौट के आए हैं अपने घर पे, यही हमारी मधुशाला। ये देखिए बंदे ने पीछे ठोंक दिया। और दोस्तों ना, आप तरकुलहा देवी जाइए, मतलब आनंद आ जाएगा। हाँ, तो अब बहुत लेट हो गया है, हम भी चल रहे घर, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम।